हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर्स में या प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख रहे थे फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। फर्स्ट इसके प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव किया था। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी जहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के लिए दो केसेस वहाँ पे देखे थे, एक जब एक ही मॉलिक्यूल्स के एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे या दो एटम्स रिएक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या डिराइव हुई थी वो हम लोगों ने डिराइव की थी। या फिर दूसरा केस लिया था जब टू रिएक्टेंट थे और उन दोनों के वन वन मोल्स या वन एटम्स जो है ना वन मॉलिक्यूल या वन एटम्स रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये थी कि जो एन ए के फर्स्ट रिएक्टेंट के जो मोल्स थे वही सेकेंड उतने ही मोल हम सेकेंड रिएक्टेंट के लिए गए थे। आज हम लोग उसी केस को का एक्सटेंडेड वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, और जहाँ पे सी ए नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए थी वो नॉट इक्वल टू होगी सी बी नॉट के, मतलब वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वन की थी वो दूसरे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगी। तो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, टेक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन ए एक रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ए प्लस बी रिएक्ट करके दे आर गिविंग ए प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। हम लोगों ने अज्यूम कर लिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इक्वेशन हम लोग उसके पहले रेट इक्वेशन से पहले हम लोग इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियल Let us assume that at t is equal to zero, मतलब initial conditions की बात हम लोग कर रहे हैं, initial conditions की बात है। t is equal to zero पे आपका a पे plus b लिख दे रहे हैं, यहाँ पे a plus b gives to product p form हो रहा है। t is equal to zero पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, हम लोग कह देते हैं कि एन ए नॉट होंगे इसके मोल, बी के कितने मोल होंगे, एन बी नॉट होंगे। किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टी पे आफ्टर रिएक्शन हम लोग बोलेंगे कि एन ए इसकी कंसंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ मोल्स एन ए होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी होंगे। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, फ्रैक्शनल कन्वर्जन ए कंपोनेंट का, एक्स ए जो होगा फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ ए, फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, मोल रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन मोल्स ऑफ ए फेड इनटू द रिएक्टर। तो आपका क्या आता था, एन ए नॉट माइनस एन ए अपॉन एन ए नॉट। इसी तरह हम लोग किसके लिए सिमिलरली फॉर बी, जो रिएक्टेंट बी है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ बी, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी नॉट माइनस एन बी अपॉन एन बी नॉट। तो यहाँ से सिंप्लीफाई हम लोग जब करते थे तो हमारा एक्स ए क्या आता था आपका, एन ए नॉट माइनस एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एन ए नॉट सॉरी एन ए इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट माइनस एन ए नॉट एक्स ए। तो इसी तरह एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी नॉट माइनस एन बी नॉट एक्स बी। अगर कंसनट्रेशन के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो क्या आता था, कंसनट्रेशन के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे क्योंकि कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम ले रखा था हम लोगों ने। तो टी मान लीजिए टी बराबर जीरो पे इनिशियल कंडीशंस पे वॉल्यूम अगर बी नॉट होगा और किसी पार्टिकुलर टाइम पे टी
पे वॉल्यूम वी होगा तो वी नॉट इज इक्वल टू वी होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम या बैच रिएक्टर ले रहे हैं और लिक्विड फेज रिएक्शन हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन जब लिखते थे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखे हैं कैसे लिखेंगे, सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए, सी बी इज इक्वल टू सी बी नॉट वन माइनस एक्स एक्स बी, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कंसनट्रेशन के टर्म में। अब हम लोग रेट लॉ लिखना चाहते हैं, तो रेट लॉ जो होगा, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट इक्वेशन इसकी क्या लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वेशन माइनस आर ए, ए के टर्म में लिख रहे हैं, ए कंसीडर कर लेते हैं हम लोग रिएक्टिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो माइनस डी सी ए ओवर डी टी, माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिसअपियरेंस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस इसलिए आता है कि जो चेंज इन कंसनट्रेशन होगी, क्योंकि इनिशियली सी ए की ज़्यादा होती है कंसनट्रेशन, तो जो चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल एक निगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन रेट निगेटिव नहीं होता, रेट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे पॉजिटिव आ जाए। इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग जब कंसनट्रेशन के टर्म में कंसनट्रेशन की पावर के टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, सी ए की पावर वन सी बी की पावर वन, तो वन हम लोग लिखते नहीं क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमने अज्यूम कर रखा है। अब हम लोग फर्दर सेपरेट करना चाहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करके फिर दूसरा स्टेप क्या होता था इंटीग्रेटेड मेथड का, कि वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करते थे, लेकिन हमारे साथ इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक सी ए है एक सी बी है, क्योंकि सी ए भी चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन चेंज हो रही होगी, सी बी की भी चेंज हो रही होगी, तो हम लोग दो वेरिएबल नहीं रखेंगे, एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल रखेंगे तो हम लोग को फिर दूसरे डिफरेंशियल फॉर्म रखना पड़ेगा, तो हम लोग एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो सी बी को हम लोग बेसिकली रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सी बी को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम लोग जानते हैं सी बी बराबर क्या होता है, सी बी नॉट माइनस सी बी नॉट एक्स बी। और अब देखिए अगर हम लोग ए के जो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए, जो मोल्स ऑफ कन्वर्टेड ए होंगे वही कन्वर्टेड मोल्स ऑफ कन्वर्टेड बी होंगे, तो इसका मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी नॉट एक्स बी, जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्स कन्वर्टेड, जो मोल्स कन्वर्टेड ऑफ बी, ये जो होंगे मोल्स कन्वर्टेड बी ऑफ बी, वो किसके बराबर होंगे, सी ए नॉट एक्स ए के बराबर होंगे। ये कहाँ से हमें पता चला, ये स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से पता चला, एक मोल इसका जो कंज्यूम हो रहा है तो एक मोल बी का ही कंज्यूम हो रहा है, तो जो इसका मोल्स कन्वर्टेड होंगे उतने ही मोल्स बी के भी कन्वर्ट होंगे, जितने ए के कन्वर्ट होंगे उतने के बी के कन्वर्ट होंगे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो इसलिए सी बी नॉट एक्स बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं सी ए नॉट एक्स ए, तो हम लोग यहाँ पे सी बी नॉट एक्स बी की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो सी बी नॉट सी बी इज इक्वल टू सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए। अब ये जो सी बी हमने यहाँ से ऑप्टेंड किया है वो जो अपनी प्रीवियस इक्वेशन थी वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऑन रिप्लेसिंग सी बी को हम लोग इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं रेट इक्वेशन में, इन रेट इक्वेशन, तो माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी, बेसिकली हम लोग ये राइट साइड वाला दो ये दोनों एक्सप्रेशन को आगे लेके चलते हैं, यूज़ करते हैं के सी ए की जगह तो हम लोग सी ए भी रहने देते हैं, सी बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए। अब यहाँ पे एक कंसनट्रेशन का टर्म है जो वेरिएबल है, एक जो है किसका टर्म है आपका फ्रैक्शनल कन्वर्जन का, तो दोनों हम लोग एक ही वेरिएबल में रख लेते हैं, तो हम लोग दोनों को इसमें आपके फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म में लिख लेंगे, तो सी ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी ए बराबर सी ए नॉट एक्स एल रिप्लेस रख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के, अब सी ए की जगह हम लोग लिख देंगे सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए, और अपना सी बी नॉट की जगह जो ये दूसरा वाला फ्रैक्शन है सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए,
ये रहेगा। अब देखिए हम इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो सी ए नॉट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के कांस्टेंट है, एक्स से क्या है वेरिएबल है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, एक आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सी बी नॉट तो कांस्टेंट है, इनिशियल मोल्स जो हमने फिट किए थे, इनिशियल मोल्स जो हमने फिट किए थे वो चेंज नहीं होंगे, और ये सी ए नॉट भी कांस्टेंट है इनिशियल मोड, और एक्स से जो है फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन एक वेरिएबल है इसमें, तो इसलिए हम लोग अब इस फॉर्म में जब जनरेट कर लिया, तो अब जो है ना वेरिएबल सेपरेशन जो दूसरा हमारा स्टेप होता था उसको रीअरेंजमेंट कहते थे या वेरिएबल सेपरेशन, तो रीअरेंजिंग, ये रीअरेंजमेंट कह सकते हैं हम लोग, या वेरिएबल सेपरेशन स्टेप जो हमारा होता है इंटीग्रल रेट इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेशन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सी ए के नीचे माइनस डेल सी ए अपॉन राइट साइड में एक स्टेप और कर लेते हैं, डेल टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे सी ए नॉट, यहाँ पे ये सी ए नॉट है, यहाँ से हम लोग इस फ्रैक्शन में से सी ए नॉट दो इस वाले कंपोनेंट से इस वाला जो ब्रैकेट है इससे सी ए नॉट जो है कॉमन ले ले रहे हैं, तो के टाइम्स सी ए नॉट 1 माइनस x से। अच्छा अब यहाँ से सी ए नॉट कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सी ए नॉट जैसे हमने कॉमन लिया इसका मतलब हुआ कि सी ए नॉट से मल्टीप्लाई किया और सी ए नॉट से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला तो हम लोग लिख ले रहे हैं, डिवाइड वाला लिख देंगे सी बी नॉट डिवाइड बाई सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट बाई सी ए नॉट इंटू एक्स से। अब देखिए सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के, एक सी ए नॉट यहाँ एक सी ए नॉट यहाँ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपका सी ए नॉट का स्क्वायर 1 माइनस x से, और सी बी नॉट बाई सी ए नॉट माइनस एक्स से। अब ये वाला टर्म्स देखिए, सी बी नॉट बाई सी ए नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है भाई, इनिशियल मोल्स जो बी के हमने हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो बी की थी एन ए नॉट बाई वॉल्यूम वॉल्यूम, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए की थी वो दोनों, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब जो हमने फिट किया था रिएक्टर में वो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगी, तो एक इस अगर इन दोनों टर्म को हम लोग लेके चलेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब इक्वेशन में बार बार लिखना पड़ेगा, दो टर्म लिखना पड़ेगा, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग एक टर्म से, तो हम लोग कहते हैं कि सी बी नॉट बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू एम, हम लोग क्या करते हैं अज्यूम कर लेते हैं, ठीक, लेट इसका मतलब हमने मान लिया सी बी नॉट बाई सी ए नॉट की वैल्यू एम। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे डी सी ए है और यहाँ पे एक्स ए है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग जानते हैं सी ए इज इक्वल टू क्या होता है सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाता है माइनस सी ए नॉट कॉन्स्टेंट होता है डी एक्स ए, तो दो चीज़ें हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, डी सी ए की जगह डी सी ए जो अपना इस इक्वेशन में है यहाँ पे डी सी ए है उसकी जगह माइनस सी ए नॉट एक्स लिख रहे हैं, और सी बी नॉट बाई सी ए नॉट की जगह हम लोग एम लिख रहे हैं, तो हमारी एक्सप्रेशन नाउ जो रेट लॉ अपना आप बन जाता है रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है यहाँ माइनस है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी ए नॉट डी एक्स ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट सी ए नॉट का स्क्वायर 1 माइनस x है, और यहाँ क्योंकि हम दो टर्म नहीं लिखना चाह रहे थे सी बी नॉट सी ए नॉट बार बार लिखेंगे, तो इसलिए हमने एक टर्म में कांस्टेंट है तो इसको जस्ट m लिख दिया m माइनस एक्स है। अब हम लोग वेरिएबल इसको सेपरेट कर लेंगे, एक सी ए नॉट से एक सी ए नॉट यहाँ पे चला जाएगा कट जाएगा, तो इस सी ए नॉट को उधर के सी ए नॉट को उधर रहने देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो डी एक्स ए ओवर 1 माइनस x से एम माइनस एक्स से, एक्स ए फ्रैक्शनल कन्वर्जन है आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टाइम्स सी ए नॉट डी टी। अब हम लोग जब वेरिएबल सेपरेट कर लेते थे या रीअरेंजमेंट कर लेते थे उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होता था कि उसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे उसको कि वो कंडीशंस लगाते थे आपकी इनिशियल कंडीशंस या लिमिट्स, तो लिमिट लिमिट्स अपनी क्या है एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे कन्वर्जन क्या होगा एक्स से जो होता है वो ज़ीरो होगा इनिशियली, तो टी बराबर ज़ीरो पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा,
एट टी इज इक्वल टू टी जब आएगा कोई पार्टिकुलर टाइम होगा तो कन्वर्जन हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल कन्वर्जन एक से है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होता था, इंटीग्रेटिंग द रेट अब इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन हमने अभी तक डेवलप की है अब इक्वेशन उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने में लिमिट लगाएंगे जीरो से एक से डी एक्स से अपॉन वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से इज इक्वल टू आपका के सी नॉट कॉन्स्टेंट है डी टी का टर्म हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टाइम जो लिमिट होगी। अब इस साइड का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है और इस साइड का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत क्या आई कि ये जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के अंदर है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसको कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे जिससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली हम लोग किस चीज़ को ये वन बाई वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो किस तरह लिखते हैं, पहले एक कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये आप पी बोल दीजिए क्योंकि ए बी हम पहले यूज़ कर रहे हैं, पी अपॉन जो पहला फैक्टर है वन माइनस एक्स से प्लस क्यू अपॉन दूसरा फैक्टर एम माइनस एक्स से। अब हम लोग को पी और क्यू की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको जो आपका ये फर्स्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में था ये वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग बाई वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से इज इक्वल टू यहाँ पे पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से डिवाइड बाई आपका था पहले से वन माइनस एक्स से टाइम्स पी प्लस वन माइनस एक्स से एम माइनस एक्स से डिवाइडेड बाई एम माइनस एक्स से टाइम्स क्यू। हम लोग को पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए ये पूरा कट के वन हो जाता है, वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स से कट जाएगा एम माइनस एक्स से पी प्लस वन माइनस एक्स से टाइम्स क्यू ये निकला। अब हम लोग को निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, पहली बार लिखते हैं हम लोग एम बराबर एक्स से पुट वैल्यू ऑफ एम बराबर एक्स से इस इक्वेशन में। तो एम बराबर एक्स से लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वन ही रहेगा। जब एम बराबर एक्स से लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स से बराबर हम एम लिख रहे हैं, बेसिकली एक्स से इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे एम माइनस एम पी प्लस वन माइनस एम क्यू हो गया और एम से एम कट गया तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो गया। तो वन इज इक्वल टू वन माइनस एम टाइम्स क्यू, क्यू की वैल्यू अपनी आ गई वन डिवाइड बाई वन माइनस एम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस वन डिवाइड बाई एम माइनस वन, दो में से कोई फॉर्म आप लिख सकते हो। एम जो है हम पहले लिख रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एम को पहले लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग क्यू की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू निकाली है तो क्यू नेक्स्ट स्टेप हमारा है पी की वैल्यू निकालना। पी की वैल्यू निकालने के लिए जो ये इक्वेशन थी आपकी ये वाली इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जस्ट कैसे मान लीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग
रखेंगे पुट एक्स से इज इक्वल टू वन, मतलब ये फैक्टर पहले ज़ीरो करते हैं, मतलब एक मानते हैं कि फैक्टर है माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एम इज इक्वल टू एक्स से, इसलिए इसी तरह वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या आएगा आपका, वन इज इक्वल टू एम माइनस वन टाइम्स पी प्लस वन माइनस वन टाइम्स क्यू, तो ये फैक्टर्स आपका पूरा ज़ीरो हो जा रहा है, तो वन इज इक्वल टू एम माइनस वन टाइम्स पी विच गिव्स पी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एम माइनस वन। तो हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमारे पास इक्वेशन कौन थी, यहाँ ये वाली इक्वेशन थी अपनी, वन अपॉन वन माइनस एक्स ए इक्वल इंटू एम माइनस एक्स ए इक्वल टू पी अपॉन वन माइनस एक्स ए प्लस क्यू अपॉन वन माइनस एक्स ए। अब यहाँ से पी और क्यू की वैल्यूज़ जो है ना हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो अपनी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशन जो थी, फ्रैक्शन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वन अपॉन वन माइनस एक्स ए एम माइनस एक्स ए इज इक्वल टू, अब अपनी बन जाएगी पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू अपनी है वन अपॉन एम माइनस वन, वन अपॉन एम माइनस वन इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स ए। इसी तरह क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन एम माइनस वन इंटू एम माइनस एक्स ए। तो यहाँ से वन अपॉन एम माइनस वन कॉमन है तो वन अपॉन एम माइनस वन कॉमन ले लेंगे, एम क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई इशू नहीं है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अपना क्या बचा, वन अपॉन वन माइनस एक्स ए माइनस वन अपॉन एम माइनस एक्स ए। तो जो ये वाली चीज़ है इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और ये कहाँ थी, ये आपकी इंटीग्रल इक्वेशन में थी, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन जो थी अपनी, क्या जो हमने अभी तक डिराइव की थी, इंटीग्रल इक्वेशन क्या थी, इंटीग्रल इक्वेशन आपके 0 to x ए वन अपॉन वन माइ वन माइनस एक्स ए एम माइनस एक्स ए और डी एक्स ए के टर्म में थी इज इक्वल टू सी ए नॉट के सी ए नॉट डी टी 0 से टाइम। अब क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये वन माइनस वन बाई एक्स ए एम माइनस एक्स ए की जगह ये जो हमने यहाँ डिराइव किया वो लिख देते हैं, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या हो गया आपका, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे, तो 0 to x ए वन अपॉन एम माइनस वन दोनों में कॉमन था तो बाहर ले लिए, पहला फ्रैक्शन आपका क्या बना, डी एक्स ए अपॉन वन माइनस एक्स ए पहला ये बना, फिर दूसरा माइनस साइन है 0 to x ए, ये क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस साइन बाहर लग गया, और ये जो दूसरा फ्रैक्शन आपका बना था वो क्या था, डी एक्स ए अपॉन एम माइनस एक्स ए, ये आपके दो फ्रैक्शन बन गए। ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू क्या होगा आपका, के सी नॉट 0 to t dt, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका आई होप आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं, एक एक जस्ट एक पार्ट में इसमें कर दे रहा हूँ, दूसरा वाला जैसे एम माइनस एक्स ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एम माइनस एक्स ए एक पार्ट जस्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट जो है ना डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, एम माइनस एक्स ए इज इक्वल टू आप क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी वाई हो जाएगा, इसका मतलब डी एक्स ए इज इक्वल टू माइनस डी वाई हो जाएगा। अब क्योंकि आपने इस वेरिएबल चेंज कर दिया, मतलब डिफरेंशियल, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो जब एक्स ए इज इक्वल टू क्या थी, जब एक्स ए इज इक्वल टू 0 थी तब की बात कर रहे हैं, तो एम माइनस 0 इज इक्वल टू वाई,
तो आपकी जो लिमिट आएगी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। जब x से इज इक्वल टू x, सॉरी x से था, x से इज इक्वल टू x से होगा तो m माइनस x से इज इक्वल टू y, तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m माइनस x से। तो जब जो लिमिट हमारी जीरो टू x से जा रही थी, अब वो m से m माइनस x से जाएगी। तो ये वाला सेकेंड वाला फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखेंगे। तो जो अब आपका क्या हो गया, जो हमारे पास था सेकेंड पार्ट को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ज़ीरो टू एक्स से था, ज़ीरो टू एक्स से डी एक्स से अपॉन एम माइनस एक्स से था। अब इसको जब हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया, आपकी लिमिट ज़ीरो से जो जा रही थी एम से गई वो लिमिट आपकी, और x से तक जा रही थी जो लिमिट अब क्या हो गई, m माइनस x से तक ये लिमिट आपकी हो गई। डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी वाई, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, डी वाई अपॉन ये क्या हो गया आपका, ये y हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये क्या होता है ln y होता है, तो ये आपका क्या आ गया ln y, माइनस साइन बाहर है, और जो आपकी लिमिट हैं वो लिख देंगे m से m माइनस x से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना y को रिप्लेस, जैसे इसकी वैल्यूज़ आप फर्दर इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, dy वाई बाई एल एन वाई हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, जब लिमिट रखेंगे तो हम लोग एल एन एम माइनस एक्स, पहला लिमिट हमने रखी माइनस एल एन आपकी m, ये दूसरी हो गई। तो हम लोग जानते हैं कि एल एन एम माइनस एल एन एन है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन एम डिवाइडेड बाई एन ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख पाएंगे, इज इक्वल टू माइनस एल एन एम माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एम। तो ये आपको जो सॉल्व करके ये इस तरह आया, तो इसी तरह आप जो है पहला फैक्टर जो है आप लोग जो है अपने से करिएगा, तो वो क्या आएगा आपका, ये सेकेंड पार्ट हमने करके देख लिया था, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ हम लोग, फर्स्ट पार्ट। तो आप लोग उसको भी कंसीडर करिएगा, ज़ीरो टू एक्स से डी एक्स से अपॉन वन, वन माइनस अपना क्या आया था, वन माइनस एक्स से है, यहाँ पे जो पहला पार्ट है वन माइनस एक्स से है, तो डी एक्स से अपन वन माइनस एक्स से। तो ये इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ, इसका आता है माइनस एल एन वन माइनस एक्स से, और उसके बाद जो है लिमिट्स लगा देते हैं, तो ज़ीरो टू एक्स से। तो जब पहली लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स एल एन वन माइनस एक्स ए माइनस एल एन वन माइनस ज़ीरो, एल एन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हमें मिल गया आप एल एन माइनस टाइम्स एल एन वन माइनस एक्स है। तो जो फर्स्ट पार्ट आया उसका इंटीग्रेशन माइनस एल एन वन माइनस एक्स से आया, सेकेंड पार्ट का था माइनस एल एन वन माइनस एक्स है। तो अब इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ऑन रिप्लेसिंग ये जो दोनों इंटीग्रेशन ऑन रिप्लेसिंग इंटीग्रल वैल्यूज तो हम कहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं जो इंटीग्रल वैल्यू। तो फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आया है आपका, माइनस एल एन वन माइनस एक्स है, तो अपना बाहर क्या था, वन अपॉन एम माइनस वन था बाहर, वन अपॉन एम माइनस वन बाहर था, ये पहले वाले पार्ट जो जीरो टू एक्स से डी एक्स से अपॉन वन माइनस एक्स से की वैल्यू आपकी आई है माइनस एल एन वन माइनस एक्स से, एल एन वन माइनस एक्स से, और दूसरे की माइनस साइन यहाँ था, और यहाँ ये आपका आया है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और इसकी जो वैल्यू आई है एल एन एम माइनस एक्स से, सॉरी हर जगह एक्स से है ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एल एन वन माइनस एक्स से अपॉन एम। ये तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया अपना इंटीग्रेशन, हम लोग यहाँ तक इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, फर्दर सिंप्लीफाइंग कर रहे हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा, तो वन अपॉन एम माइनस वन
ये बाहर है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसको पहले लिख लेते हैं ln m माइनस एक्स ए अपॉन m, ये पूरा ln में है, माइनस ln 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए ही है। अब फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ का ln प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे कि ln p माइनस ln q है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln p बाई q लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर फर्दर क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन m माइनस 1 ln m माइनस एक्स ए में ये वाला टर्म डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा m टाइम्स 1 माइनस एक्स ए, ये वाला टर्म डिवाइड में आ गया। ये जो है अब ये अपनी इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू राइट साइड हो सकता है दो तीन जगह से, यहाँ से ये हम लोग ये सिंप्लीफाई कर रहे थे, और राइट साइड हमारा क्या था, सी ए नॉट के टाइम्स टी। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको भी राइट साइड हम लोग लेते जाएंगे, तो अपना लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, एल एन एम माइनस एक्स ए अपॉन एम टाइम्स 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एम माइनस 1 सी ए नॉट के टी। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ये इंटीग्रेटेड आपका रेट लॉ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमें तो जो दूसरा स्टेप ये तीसरा स्टेप हो जाता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते थे, अब बाद में क्या करते थे, चौथा स्टेप जो होता था प्लॉट ड्रा करते थे। प्लॉट ड्रा करेंगे किसके, टाइम वर्सेस वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, ये वाला टर्म पूरा रखेंगे ln m माइनस एक्स ए अपॉन m टाइम्स 1 माइनस एक्स ए, ये आपका वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग, हमेशा टाइम यहाँ पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम रखेंगे। अब हमने क्या कैलकुलेट कर रखी है, हमें m मालूम है, सी बी नॉट बाई सी ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन है। अब हम लोगों ने जो डेटा जनरेट किया होगा एक्सपेरिमेंटल डेटा बैच रिएक्टर डेटा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, टाइम वर्सेस या तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म में डेटा जनरेट करते हैं या कंसनट्रेशन के टर्म में, तो कंसनट्रेशन के टर्म में भी जनरेट करते हैं तो फ्रैक्शन कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स ए इज इक्वल क्या होता है, 1 माइनस सी ए बाई सी ए नॉट, सी ए नॉट हमें मालूम होता है, सी ए हम लोग जो है सी ए कंसनट्रेशन मेजर करते हैं, तो डेटा में हमारे पास एक्स ए भी है और एम की वैल्यूज़ भी हैं, तो डिफरेंट टाइम पे जो एक्स ए है तो एक्स ए की जगह को इसको रख के पूरा ये वाला फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पे मान लीजिए एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे ये कंसंट्रेशन आई, फिर नेक्स्ट जैसे टी बराबर उस पर देखें टी बराबर ज़ीरो पे, तो टी बराबर ज़ीरो पे क्या होगा, एक्स ए ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हुआ, ऊपर वाला ज़ीरो तो ऊपर बचा क्या, एम बचा, नीचे भी बचा एम, एम डिवाइड बाई एम क्या आएगा, एक आएगा, एल एन वन की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। फिर दूसरे पॉइंट पे हमने देखा कि ये कोई डेटा पॉइंट आया, ये इसको पूरा कैलकुलेट किया दूसरे टाइम पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आया डेटा पॉइंट। फिर तीसरे के लिए इसी तरह हमने देखा यहाँ पे आएगा, चौथे डेटा पॉइंट के लिए यहाँ पे देखा, पांचवे के लिए हो सकता है इससे आए, छठे के लिए ऐसे आए। तो अगर ये हम लोग फिर इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से पास होते हुए होना चाहिए, तो अगर इस तरह का ग्राफ हम लोग को मिल जाता है किसका, एल एन एम माइनस एक्स ए अपॉन एम वन माइनस एक्स ए अपॉन टाइम का, अगर इस तरह का ग्राफ हम लोग को मिलता है, इसका मतलब हुआ कि हमने जो अज्यूम कर रखा था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह का ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए नहीं मिलता, इस तरह का ग्राफ नहीं मिलता, तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम कर रखा था वो गलत है। अब स्लोप क्या होगा इसका, तो ये पूरा यहाँ तक क्या है, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो ये वाई हो गया, ये पूरा m हो गया, m मतलब स्लोप है, ये कैपिटल m से नहीं है, और t टाइम है या x एक्सिस है, तो अपना स्लोप जो होगा, स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्लोप शुड बी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, m माइनस 1 सी ए नॉट के, इसके बराबर अपना स्लोप आना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव की इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ पे सी ए नॉट नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट है।
लेकिन अगर इसी को कोई आपको इंसिस्ट करे कि नहीं आप जो है ना इसको उस फॉर्म में लिखिए, ये अभी जो है ना कंसंट्रेशन फॉर्म, ये आपका कन्वर्जन फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखिए, तो कंसंट्रेशन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो एम माइनस एक्स, यहाँ पे आपका सी ए सी बी वगैरह आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जैसे एक्स ए को कैसे लिखते थे हम लोग, या सी ए को कैसे लिखते थे, सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए लिखते थे। तो एक्स ए, बेसिकली एक्स ए को हम लोग को रिप्लेस करना है, या ये देख लीजिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सी बी इज इक्वल टू क्या है, सी बी नॉट माइनस सी बी नॉट एक्स बी। तो हम लोग बेसिकली इस अंदर वाले टर्म को सिर्फ इसको जो है ना सिंप्लीफाई करके हम लोग उसके टर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, एम माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई एम टाइम्स वन माइनस एक्स ए। तो क्या करेंगे हम, एम कॉमन ले लेंगे, ऊपर एम हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, वन माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई एम, और नीचे क्या बचा आपका, एम है वन माइनस एक्स ए, एम से एम कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब एम की वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू हमें मालूम था सी बी नॉट बाई सी ए नॉट थी, तो वैल्यू हम लिख देंगे वन माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई सी बी नॉट बाई सी ए नॉट, ये होगा। नीचे वाला वन माइनस एक्स से ही हम लोग रहने देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सी ए नॉट ऊपर जाएगा तो वन माइनस सी ए नॉट एक्स ए अपॉन सी बी नॉट डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स ए। तो ये सी बी सी ए नॉट एक्स ए बराबर किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं सी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू सी बी नॉट एक्स बी। इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हो, इसके लिए हमेशा नहीं होता, सी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू सी बी नॉट एक्स बी, ये स्टाइकोमेट्रिक से आ रहा है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशंट्स है कि जो इसका जो डिसोसिएशन इसका है उतना ही डिसोसिएशन या उतना ही कन्वर्जन इसका है। तो सी ए नॉट एक्स ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सी बी नॉट एक्स बी लिख देंगे। तो अपना ये हो जाएगा वन माइनस सी बी नॉट एक्स बी अपॉन वन, ये सी बी नॉट नीचे था और यहाँ पे क्या है, वन माइनस एक्स से ही बचा, तो सी बी नॉट से सी बी नॉट कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा, वन माइनस एक्स बी अपॉन वन माइनस एक्स ए। ये हम लोग जो एम माइनस एक्स ए को सिंप्लीफाई कर रहे थे अपॉन एम टाइम्स वन माइनस एक्स ए, वो ये हमको मिल गया। अब हम लोग कन्वर्जन जानते हैं, फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है, वो पीछे लिखा भी हुआ है। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन एक्स बी क्या होता था आपका, वन माइनस सी ए ओवर सी ए नॉट, ये होता था, सॉरी एक्स ए जो है, और एक्स बी बराबर क्या होगा, वन माइनस सी बी ओवर सी बी नॉट। तो वन को इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, एक्स ए को इधर ले आएंगे, तो सी ए ओवर सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, वन माइनस एक्स ए आएगा, क्योंकि वन माइनस एक्स ए और वन माइनस एक्स बी हम लोग यहाँ पे को रिप्लेस करना है कंसनट्रेशन के टर्म में। तो सी बी बाई सी बी नॉट जो होगा वो कितना आपका आ जाएगा, वन माइनस एक्स बी। अब वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स बी की को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग को क्या बचेगा, वन माइनस एक्स बी की जगह हम लोगों ने लिखा सी बी डिवाइड बाई सी बी नॉट, और यहाँ पे क्या लिखा, सी ए बाई सी ए नॉट। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं, सी बी डिवाइड बाई सी ए, सी बी डिवाइडेड बाई सी ए इंटू क्या है, सी ए नॉट डिवाइड बाई सी बी नॉट, सी ए नॉट, सी ए नॉट ऊपर जाएगा, सी बी नॉट नीचे आएगा, सी बी नॉट। ये अपना जो शुरू में जो सारी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, जो आप कन्वर्जन के टर्म्स थे उसको रिप्लेस करने के लिए, तो ये हम लोग को मिल गया। अब यही हम लोग को जो आपके इनिशियल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एल एन एम माइनस एक्स ए अपॉन वन माइनस एक्स ए, तो ये इसी में रिप्लेस करना था, तो इसमें हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जो हमने वैल्यूज़ ऑब्टेन की हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एम माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई
एम टाइम्स वन माइनस एक्स से इन इन कहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ln m माइनस एक्स से अपॉन वन एम टाइम्स वन माइनस एक्स से इज इक्वल टू एम माइनस वन सी ए नॉट के टी, इस वाले एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू क्या ही है वो आपने यहाँ से देखा, एम माइनस एक्स है कि सी बी बाई सी ए अपॉन इंटू सी ए नॉट बाई सी बी नॉट। तो क्या हो जाएगी आपकी एक्सप्रेशन, एल एन सी बी बाई सी ए इंटू क्या है आपका सी ए नॉट बाई सी बी नॉट इज इक्वल टू एम माइनस वन सी ए नॉट के टी। अब ये एक्सप्रेशन जो है किस में है, ये कंसंट्रेशन के टर्म में है, सारी एक्सप्रेशन ये अपनी किस में आ गई, कंसंट्रेशन के टर्म में आ गई। तो अगर हम लोग को प्लॉट करना है ग्राफ, तो एक इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या दूसरा ये है कि इसमें कंसंट्रेशन वाला टर्म है तो इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। तो एल एन ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि एल एन पी इंटू क्यू है, तो आप लिख सकते हैं एल एन पी प्लस एल एन क्यू। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, एल एन सी बी बाई सी ए प्लस एल एन सी ए नॉट बाई सी बी नॉट इज इक्वल टू एम माइनस वन सी ए नॉट के टी। अब देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम, सभी हम लोगों को भी प्रॉब्लम होंगी, यहाँ पे सी बी बाई सी ए है, यहाँ पे मतलब सी ए नॉट बाई सी बी नॉट, तो एक ही टर्म में लिखें, या तो सी बी बाई सी ए के टर्म में लिखें, तो यहाँ पे भी सी बी नॉट बाई सी बी सी ए नॉट लिखें, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं एल एन सी बी बाई सी ए प्लस एल एन सी बी नॉट बाई सी ए नॉट की पावर माइनस वन, इस तरह लिख सकते हैं, हमने इन्वर्स कर दिया इसका, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एम माइनस वन सी ए नॉट के टी। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, एल एन सी बी बाई सी ए इज इक्वल माइनस, ये जो पावर है वो आ जाती है, एल एन सी बी नॉट बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू जो राइट साइड है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सी ए नॉट के टाइम। अब हम लोग सिर्फ जो वेरिएबल है वो इस साइड रखना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड ले जाना चाहते हैं, तो जो आपका एल एन सी बी बाई सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम माइनस वन सी ए नॉट के टी, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एल एन सी बी नॉट बाई सी ए नॉट। ये आपकी फाइनली हम लोग की जो है ना फाइनल इक्वेशन आ गई, ये कंसंट्रेशन के टर्म में है, और जो हम लोग हमेशा कोशिश किस में करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने की, तो यहाँ पे ये y है, ये पूरा यहाँ तक m है स्मॉल m स्लोप वाला, और ये t क्या है x है प्लस सी, इस फॉर्म में हो गई इक्वेशन। तो अगर इसका हम लोग प्लॉट ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो किस तरह का ग्राफ आएगा, यहां देखिए वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका, एल एन सी बी बाई सी ए, आपका स्लोप क्या है, लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ है, ये इंटरसेप्ट है, तो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और ये कर्व कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, जस्ट ये हम लोग यहाँ बताना चाहते हैं कि कर्व जो है ना ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इंटरसेप्ट है। तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन आएगा कोई इस तरह का कर्व, डेटा पॉइंट्स होंगे, डेटा पॉइंट्स पहले ड्रॉ करेंगे बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं उसके बाद डेटा पॉइंट, वो गलत है, पहले डेटा पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे, और उसके बाद फिर लाइन खींचा जाएगा। तो जो आपका ये इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, ये जो आपका एल एन सी बी नॉट बाई सी ए नॉट है, तो एल एन सी बी नॉट बाई सी ए नॉट, और आपका जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इज इक्वल टू एम माइनस वन सी ए नॉट के, ये आपका स्लोप हो जाएगा। तो
इस तरह हम लोगों ने ये पूरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कर ली, किसके लिए? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए, जहाँ पे इनिशियल जो मोल्स थे आपके, वो दोनों इनिशियल्स मोल्स डिफरेंट थे, मतलब सी नॉट जो आपका पहला इनिशियल मोल्स एक रिएक्टेंट का था, वो दूसरे इनिशियल मोल से डिफरेंट था। तो बेसिकली दो इक्वेशंस यहाँ पे हम लोग को ऑब्टेंड हुई, जो पहली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो कंसंट्रेशन के टर्म में थी। तो ये है ln m माइनस एक्स ए अपॉन m टाइम्स 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू m माइनस 1 सी ए नॉट के टी। ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर के लिए कन्वर्जन के टर्म में। और जब उसकी अगर यही आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें, तो एक यहाँ भी ये जो इक्वेशन हमने लिखी ये भी सफिशियंट है, ln cb बाई ca इंटू सी ए नॉट बाई सी बी नॉट इज इक्वल टू m माइनस 1 सी ए नॉट के टी। तो ये सफिशियंट है क्योंकि इसमें सारे कंसंट्रेशन के टर्म में, कन्वर्जन का कोई टर्म नहीं है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन का। लेकिन और अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रॉपर फॉर्म में इस तरह आएगी कि जो वेरिएबल्स हैं उसको हमने एक तरफ कर लिया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बेसिकली हमने बना लिया। तो एल एन सी बी बाई सी इज इक्वल टू एम माइनस 1 सी ए नॉट के टी प्लस एल एन सी बी नॉट बाई सी ए नॉट। तो देखिए यहाँ पे भी सी बी बाई सी है, यहाँ पे भी सी बी नॉट बाई सी ए नॉट, तो एक ही फॉर्म में हमने इक्वेशन को रखा है। तो इस तरह हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर के लिए इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आज डिराइव कर लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था, या इंटीग्रल मेथड जो यूज़ करके रेट लॉ डेवलप करते हैं, रेट इक्वेशन डेवलप करते हैं, वो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लिया था। सेकेंड ऑर्डर में दो केसेस जो बेसिकली पिछले लेक्चर में थे, कि जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स रिएक्ट कर रहे थे, या दो मॉलिक्यूल्स थे, दो रिएक्टेंट थे सॉरी, और उनके एक एक मॉलिक्यूल या एक एक एटम्स रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन कंडीशन उसके साथ ये थी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी या इनिशियल मोल्स थे दोनों रिएक्टेंट के, वो सेम थे। लेकिन आज जो डिफिकल्ट डिफरेंट था उस केस से, कि जो दो कप रिएक्टेंट तो हैं, एक रिएक्टेंट ए है एक रिएक्टेंट बी है, लेकिन जो दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो उस केस में इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपका इस तरह गया, इस तरह आएगा। तो बेसिकली ये हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, तो एक जो क्वेश्चंस होंगे इंडस्ट्री में इसी तरह, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसी तरह अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका यूज़ जो हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसको सॉल्व करने में आज यहाँ पे मतलब अपने सिलेबस में करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस देखेंगे, उसके बाद एक जनरल nth ऑर्डर के लिए देखेंगे, क्योंकि हर बार जो है ना एक ऑर्डर के लिए पढ़ना तो मुश्किल है। तो एक जनरल इक्वेशन देखेंगे कि nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट लाइकली हम लोग जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन डेवलप करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर देखेंगे हम लोग nth ऑर्डर के लिए, या हो सकता है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लें, क्योंकि तीन रिएक्शंस, तीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के दोनों टाइप्स के लिए हम लोगों ने देख लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।